मैं कनक भारती, आप सभी का हमारे चैनल इडुनेस्ट में वेलकम है। गाइस हम लोग एनसीईआरटी से क्लास 6 का साइंस पढ़ रहे हैं, जो कि केबीएस, सीटेट, एसटेट या कोई भी आप एग्जाम दे रहे हैं, चाहे वो टीचिंग हो या एनी कॉम्पिटेटिव एग्जाम, सब में यूजफुल है। तो इस टॉपिक मतलब इस चैप्टर में हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, शरीर में गति के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें ह्यूमन बीइंग के बारे में पढ़ चुके हैं और अब एनिमल्स के बारे में पढ़ रहे हैं। तो उसमें दो तीन पॉइंट्स हो चुका है और आज जो हम लोग पढ़ेंगे तिलचट्टा के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे, इसमें यह कैसे गति करता है और क्या क्या इसमें होता है। तो आज की क्लास में हम लोग तिलचट्टा के बारे में पढ़ेंगे। तिलचट्टा को हम लोग इंग्लिश में कॉकरोच भी बोलते हैं। तिलचट्टा OCKROACH कॉकरोच, इसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। तिलचट्टा या आसानी से आपको किचन में भी देखने को मिल सकता है। तिलचट्टा जमीन पर चलता है, जमीन पर चलता है, दीवार पर चढ़ता है, दीवार पर चढ़ता है और वायु में भी उड़ता और हवा में उड़ता भी है, उड़ता भी है। आप लोग इसको इजीली अपने किचन में या कहीं भी देख सकते हैं, जहाँ थोड़ा दिन से आप साफ सफाई नहीं किए होंगे कुछ दिनों से, तो वहां पे ये अपने आप हो जाता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें तीन जोड़ी पैर होते हैं। इसमें कितना पेयर पहले का होता है? तीन पेयर पैर होते हैं जो चलने में सहायता करता है, जो चलने में सहायता करता है, चलने में सहायता करता है। फिर इसके शरीर कठोर बाहर कंकाल द्वारा कवर्ड होता है। यह बाह्य कंकाल एक्सटर्नल स्केलेटन होता है, बाह्य कंकाल बाह्य कंकाल विभिन्न एककों की परस्पर संधियों द्वारा बनता है जिसके कारण गति संभव हो पाती है। फिर अगला पॉइंट है, वॉच से दो जोड़े पंख भी जुड़े होते हैं, इस स्ट्रक्चर में जो ये कलर्ड पार्ट है ये इसका पंख है। जब उड़ता है तो आप लोग देखते होंगे कि दोनों पंख इसका निकल जाता है। फिर अगला पॉइंट है,
अगले पर सकरे सकरे और पिछले जोड़े पैर, पिछले पैर चौड़े एवं बहुत पतले होते हैं, बहुत पतले होते हैं। तिलचट्टे में विशिष्ट पेशियां होती है। पैर की पेशियां पैर की पेशियां उन्हें वक्ष की पेशियां तिलचट्टे के उड़ने के समय उसके पैरों को गति देती है, उसके पैरों को गति देती है। चिट्टा के बारे में इतना मेन मेन पॉइंट था बुक में, जो कि मैं यहाँ पे आप लोगों के सामने एक्सप्लेन कर दी हूँ। और आप यहाँ फिगर देख सकते हैं तिलचिट्टा का, ये पीछे पैर है, आगे का ये और ये, इसमें तीन जोड़े पैर होते हैं। कितना पैर? छह पैर होते हैं, जो कि तीन जोड़ा होता है पैर में तीन, और ऐसे काउंट करने पे 1 2 3 4 5 ये पीछे से उसका निकला हुआ रहता है। फिर तिलचट्टा जमीन पर चलता है, दीवार पे चढ़ता और हवा में भी उड़ सकता है। इसके इसके शरीर कठोर बाह्य कंकाल द्वारा कवर्ड होता है। अगर इसके पंख को हटाइएगा तो जो वो इसका जो ऊपर से वाला भाग होता है वो क्या होता है? हार्ड होता है। यह बाह्य कंकाल विभिन्न एककों की परस्पर संधियों द्वारा बनता है, जिसके कारण इसमें गति संभव हो पाता है। वक्ष से दो जोड़े पंख भी जुड़े होते हैं। ये दोनों जोड़ा जो है इसके वक्ष से कनेक्टेड रहता है। अगले पैर सकरे और पिछले पैर चौड़े एवं बहुत पतले होते हैं। अगला पैर क्या होता है? सकरा होता है और पिछला चौड़ा होता है। जब आप इसको अच्छे से पकड़ के देखिएगा, डिसेक्ट करिएगा, तो फिर वो अच्छे से आप समझ पाइएगा। तिलचट्टे में विशिष्ट पेशियां होती है। पैर की पेशियां हमें चलने में हेल्प करती है। वक्ष की पेशियां तिलचट्टे के उड़ने के समय उसके पैरों को गति देती है। जो यहाँ पे होती है ना, उसको उड़ने के टाइम गति देती है। तो गाइस, आज के वीडियो में इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। कल क्लास नहीं हो पाई थी क्योंकि बगल में सरस्वती पूजा भी हो रहा था, तो बहुत ही ज्यादा साउंड गाना बज रहा था, म्यूजिक बज रहा था, इस वजह से मैं क्लास नहीं ले पाई। तो आज की क्लास में इतना ही है। अगर आप लोग कुछ वीडियो पसंद आए, थोड़ा भी कुछ गेन कर रहे हैं वीडियो से, तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।